छतरपुर में कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान पहुंचे बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर दिया। बच्चों ने स्कूल जाने के लिए रोड़ना होने के कारण प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम बलवीर रमन ने बच्चों की समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा दिया। जन सुनवाई में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब सैकड़ों स्कूली बच्चे सड़क की मांग को लेकर जन सुनवाई में पहुंच गए। जिला पंचायत में चल रही जन सुनवाई के दौरान स्कूली बच्चों का प्रदर्शन देखकर कलेक्टर बाहर आए और उन्होंने स्कूली बच्चों की समस्याएं सुनी। बच्चों का आरोप है कि रसोईया राधेनगर गांव में स्कूल जाने के लिए रोड नहीं है, जिससे उन्हें स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग की ये परेशानी है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, ना ही हम लोगों को निकलने के लिए बहुत परेशान है, दिक्कत है कॉलेज जाने स्कूल जाने के लिए। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। सभी जगह हम लोगों ने सुनवाई करी, आप 20 साल से हम लोगों को रोड नहीं मिला। हम किसी की डिलीवरी होनी या किसी औरत की तो कहाँ से जाएं? यदि किसी बच्चे को कोई बीमार पड़ गया, कोई ताप हो गया तो कहाँ पे जाएं? कहाँ से जब निकलने के लिए जगह ही नहीं तो हम लोग क्या करें? यहाँ तक कि हम लोगों ने कलेक्टर भी 3-4 बार यहीं पर आ गए जन सुनवाई के लिए, कोई भी निराकरण नहीं मिला। अब आप लोग ही बताइए कि हम लोग क्या करें। MCVU मैं राजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की मैं छात्रा हूँ और मेरा अभी मतलब कि कॉलेज का कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हम तो नहीं जाए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, जैसे 12वीं कोई 11वीं कोई 10वीं तो वो तो जाने के लिए परेशान है। अगर मेरी तबीयत खराब हुई या किसी की भी ऑलरेडी हो गई तो हम लोग कहाँ से जाए? आप बताइए। हम लोग कम से कम पैसे 100-100 रुपए जोड़ के 20 किलोमीटर से दूर घेर घार के दूसरे गांव से रास्ते से आए हैं। लोग अब जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, जब वो नहीं निकलने दे तो दूसरे गांव के कैसे निकलने देंगे? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को रोड मिल जाए, और अगर रोड नहीं तो बोर्ड नहीं तो हमारा गाँव स्वतंत्र ही नहीं है। ना हमें 15 अगस्त मनाना है, ना 26 जनवरी, हम क्या करेंगे? ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर एक भूस्वामी की जमीन है जिसने रास्ते को अपनी जमीन से बंद कर दिया है, उससे मुख्य सड़क तक आने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ रोड नहीं है, निकलने की जगह नहीं है, बच्चे हमारे घर में रुके, कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, सड़क पर आ पा रहे न, बच्चे स्कूल जा पा रहे ना अस्पताल जा पा रहे। कोई आज समस्या आ जाए सामने तो आदमी ही मर जाएगा, वो रास्ता नहीं है निकलने का। रसुईया राधे नगर, वजह ये है कि भरत सिंह ठाकुर हैं जो वो रोड बंद कर रखा, उनने पहले चला था जब हम लोग जीते थे वहाँ हाईकोर्ट से, स्टे कर लिया, आज 8 महीना हो गया, हमारे भोपाल तक पड़ जाएगा। इस मामले में SDM का कहना है कि सड़क मार्ग में एक भूस्वामी की जमीन है, वो सिविल न्यायालय में केस जीत चुका है, इसलिए उसने रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन हाईवे पर आने के लिए गांव से और एक भी रास्ता है, लेकिन उसकी दूरी ज्यादा है, इसलिए ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उन्हें छोटा रास्ता दिया जाए। रसुईया मार्ग के लिए ये लोग आए थे, जो प्राइवेट जमीन पे थी, जिसपे जो है भूमि स्वामी की सिविल कोर्ट में जीत हो चुकी है और भूमि स्वामी ने मना कर दिया। अल्टरनेट उपलब्ध है, वो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए लोगों को ये मांग है कि शॉर्टकट रूट हमको दिया जाए। प्रशासन जो है तत्काल के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो उपलब्ध है उसको ठीक कराएगी, और शॉर्टकट रूट तो मिल नहीं सकती क्योंकि भूमि स्वामी ने बंद कर दिया और भूमि स्वामी से सिविल कोर्ट में उसकी जीत हो गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।